हल्दूचौड़ देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल में चार पदों पर हुए चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। इसके साथ ही मतगणना पूरी होने के बाद चुनाव नतीजों की थी घोषणा हुई, जिसमें निर्विरोध खीम सिंह बिष्ट अध्यक्ष, उप सचिव विनीत दुमका, कोषाध्यक्ष हरमोहन बिष्ट और संतोष भट्ट को मीडिया प्रभारी बनाया गया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर रोहित जोशी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी उर्वा दत्त भट्ट को 51 मतों से पराजित किया। रोहित जोशी को 160 जबकि उर्वा दत्त भट्ट को 109 वोटों पर संतोष करना पड़ा। वहीं महामंत्री पद पर जीवन चंद्र पांडे ने चंदन कोटोला को 79 वोटों से पराजित किया। जीवन चंद्र पांडे को 174 जबकि चंदन कोटोला को 95 मत प्राप्त हुए। संगठन मंत्री पद पर प्रवीण शर्मा ने बड़ी जीत हासिल की, उन्हें 185 मत प्राप्त हुए जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी राकेश थपोला को 76 मतों पर सिमट गए। इसके अलावा सचिव पद पर राजेश सुयाल ने 167 वोट हासिल कर जीत हासिल की। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। जैसे कि इस बार हम लोगों ने देवभूमि व्यापार मंडल की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए गुमटी से लेके मोटा मोदीनगर जहाँ तक हमारा कोतवाली क्षेत्र आता है, हमने एक संगठन मजबूत संगठन का नारा देते हुए सभी व्यापारी भाइयों से सदस्यता करवाई और जिसमें सभी व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। के आम चुनाव हो रहे हैं, व्यापारियों में भारी उत्साह था, उम्मीदवारों में भी भारी उत्साह था और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हमारे सारी हमने व्यवस्थाएं कर रखी थी। यहाँ बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुआ, काउंटिंग जारी है और जो प्रत्याशी जीतेगा वो भी हमारा है, जो हारेगा उसको भी हम सम्मानित करेंगे संगठन में, क्योंकि ये तो एक सामाजिक संगठन है, इसमें सब लोगों को हम सम्मान देंगे। ऐसा नहीं जो हार गया उसको निराश होने की आवश्यकता नहीं है और सब मिलजुल के काम करेंगे।